हेलो दोस्तों, मैं बुद्धि बादू तमंग हमारे चैनल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाला है कि जैसे कि आपका कोई भी बैंक में तो खाता तो हो गई, तो आपको कभी कभार क्या है बैलेंस चेक करने में थोड़ा दिक्कतें आती है ना। तो हम आज टोल फ्री नंबर आपको देंगे, उस नंबर से आपको एक मिस कॉल करना है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपका जो भी बैंक में बैलेंस है वो थोड़ी देर के बाद आपका मोबाइल पर एक SMS द्वारा से आपका बैलेंस शो कर देगा। थैंक यू दोस्तों, चले चलते इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चले चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करते आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है ऑल बैंक, जैसे कि ऑल बैंक लिख कर सर्च कीजिए। सर्च करके आपको मैं आगे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑल बैंक लिख कर सर्च कर रहे सर्च करते ही आपको चार नंबर एप्लीकेशन दिख रहा है ऑल बैंक बैलेंस। आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करते ही उसके बाद आपको ओपन करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं ओपन करते ही उसके बाद आगे के प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद ओपन करते ऐसा इंटरफेस आए, उसके बाद सबसे नीचे स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते अलाउ करना है, फिर एक बार अलाउ करते आप फिर एक बार आप अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद तीर का निशान दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करना है। उसके बाद मेरा स्टेट बैंक है तो मैं स्टेट बैंक पर क्लिक करूँगा। इसमें बहुत सारे बैंक हैं, आप जो भी बैंक है आपको चुन लीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मेरा स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक पे मैं सबसे ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक का नाम दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करते उसके बाद बैंक बैलेंस चेक पर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको अलाउ करना है। अलाउ करके सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस जैसे कि आप नंबर देख रहे हो, उस नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से आपको एक बार मिस कॉल करना है। मिस कॉल करते आपके पास SMS द्वारा से बैंक बैलेंस आपको जो भी है आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको मिनी स्टेटमेंट का नंबर नीचे दिखाया गया है, उसके बाद कस्टमर का नंबर भी आपको नीचे दिखाया गया है। आपको जो भी समस्या है कस्टमर नंबर से बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।